मैं हूं भाग्य प्रदान करने वाला, और ये है दूर देश अल्ताने का दूध। इससे कोई भी रोग ठीक हो सकता है। ये तलवार के गंभीर घाव को भी 3 दिनों में ठीक कर देता है। अगर तुम मुझे विष देकर मारना चाह रहे हो तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। अब अपना चेहरा दिखाओ। इरतई मेरे खान, मेरा यकीन करो, मैं स्वर्ग जाने का साधन हूं। मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। अगर तुम जोर जबरदस्ती करोगे तो उसी क्षण से तुम योग्य नहीं रहोगे। मैं जब स्वयं ही भाग्य विधाता हूं तो स्वर्ग क्यों चाहेगा कि मैं मेरे ही भाग्य विधाता का चेहरा ना देखूं? बताओ। तुम ही हो स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त भेड़िया, और मैं यहां तुम्हारे उपचार के लिए आया हूं। अगर मैं तुम्हें भाग्य का विधाता बनाऊं और तुम खान बन जाओ तो कैसा रहेगा? हाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? मैं स्वर्ग का दूत हूं और उन्होंने सब कुछ बताया। अभी ये बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? सुनो इरतई खान, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और जो मित्र के भेष में शत्रु हो उसका नाश कर देना चाहिए, समझे? तो तुम कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट कहूं तो तुम्हें सफेद खोपड़ी जाति से मिलकर खादु पर आक्रमण करना चाहिए। यही सही मौका है। सफेद खोपड़ी भले ही क्रूरता की सीमाएं पार कर देते हैं, लेकिन वो कभी भी शत्रु की पीठ पर वार नहीं करते। कभी भी खादु की तरह अंधेरे में हमला नहीं करते हैं। बुजुर्ग अरसाई की घात लगा के हत्या की गई थी सफेद खोपड़ियों द्वारा, जब वो 8 जनजातियों की सभा से लौट रहे थे, और मेरे पिता जराई की हत्या भी उन्हीं के विष भरे तीर से की गई थी। इन सारी परेशानियों की जड़ सफेद खोपड़ियां ही हैं, तो मैं उन पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? सफेद खोपड़ी जाति बागी थे और आज वो शापित हैं दर दर भटकने के लिए। 8 जनजातियों ने उन्हें देखते ही उनका नरसंहार किया, बगैर कुछ सोचे समझे। क्या आपको लगता है कि उनके सीने में प्रतिशोध की आग नहीं जल रही होगी? तुम अपने हालात पर गौर करो खान इरते, वही करो जिसमें तुम्हारी भलाई है। तो अब मुझे मेरी तुलना उन विलुप्त सफेद खोपड़ियों से करनी होगी क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। क्या आपके अंदर प्रतिशोध की आग इस समय नहीं जल रही? क्या तुम अपने योद्धाओं को एकत्रित करके
खादु पे आक्रमण करने के लिए उत्तेजित नहीं हो रहे हो। ये सच है, पर मेरे पास कुछ ही योद्धा बचे हैं। जो भागने में कामयाब रहे बस वही। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कितने योद्धाओं को दोबारा एकत्रित कर पाऊंगा। इर्तेई खान, अभी भी मेरे पास सफेद खोपड़ी के बचे हुए लोग हैं। अगर उन्हें अपने साथ ले लोगे तो तुम्हारे पास सैकड़ों की सेना हो जाएगी। तुम क्या सफेद खोपड़ियों को यहां अपने साथ लाए हो? इतना भयभीत ना हो इर्तेई खान, उन्हें तो बस भूमि चाहिए, तुम्हारा सर नहीं। इसलिए डरो मत तुम। अगर तुम उन्हें रहने के लिए भूमि दोगे तो वो तुम्हारे साथ मिलकर खादु पर आक्रमण कर देंगे, समझ रहे हो? और प्रमुख सरदार अरखल भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो सकता है। मैं नहीं जानता कि सरदार अरखल अब क्या करेंगे। अगर तुमने सरदार अरखल की कमजोर नस दबा दी तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। उनकी ऐसी कौन सी कमजोर नस है, बताओ मुझे। सरदार अरखल की सबसे कमजोर नस है उसका लौटा हुआ बेटा शालू। तुम मूर्ख हो। जवानी के जोश में सरदार अरखल के पिता ने नरसंहार किया था बच्चों सहित सफेद खोपड़ियों का। तब से अरखल परिवार उनके श्राप से ग्रसित है। खादु पे आक्रमण करने के लिए सरदार अरखल कभी भी सफेद खोपड़ी जाति से समझौता नहीं करेंगे, कभी नहीं। सरदार अरखल स्वर्ग के शाप से शापित हैं, ना कि सफेद खोपड़ी के शाप से। यदि बुजुर्ग अरसाई का कहना मान के अरखल ने अपने बेटे को भेड़ियों की मान में नहीं छोड़ा होता तो स्वर्ग के शाप से मुक्त नहीं होते। स्वर्ग ने उसके तीन बेटे छीन लिए। अगर फिर से ऐसा कुछ हो जाए तो अरखल प्रतिशोध की आग में खादु को भस्म कर देगा। मेरा यकीन करो, वो यही करेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कह रहे हो? मुझे शालू की हत्या कर देनी चाहिए? अगर मैंने ऐसा किया तो क्या वो खादु के बजाय मुझ पर आक्रमण नहीं कर देगा? बोलो। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें शालू की हत्या कर देनी चाहिए, लेकिन अगर तुम शालू को अपना बंधक बना लोगे तो सरदार अरखल के पास तुम्हारे साथ जुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तुम एक भटकते कुरूप गिद्ध हो। तुमने क्या कहा? स्टेप का शालू मेरा सबसे प्रिय मित्र है। पिताजी, आप इस गिद्ध की अनर्गल बकबक कैसे सुन सकते हैं? यदि आप शालू को बंदी बनाएंगे तो आप अक्चिन जाति के साथ सदियों पुरानी शांति की संधि भंग कर देंगे। अगर उनके साथ युति इतनी महत्वपूर्ण है तो मैं सरदार अरखल से स्वयं वार्तालाप करूंगा। मुझे विश्वास है कि सरदार अरखल भी खादून पर
आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अति सुंदर, मैं प्रसन्न हुआ। इर्तई खान, इस मामले में तुम्हें अपने बेटे की बात मान लेनी चाहिए। बेटा, तो क्या तुम ये कार्य करने में सक्षम हो? हाँ हूँ, अगर आप अपने विवाह पर कहे हुए वाक्य को बदलने के लिए तैयार हैं तो। अगर आप अक्जिन जाति पर जबरन आधिपत्य स्थापित ना करें तो सरदार अरखल आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं बदलने के लिए तैयार हूं, जाओ बेटा। अभी मेरा घाव कैसा है? मेरे खान, ये तो ठीक हो गया। सुनने में तो अविश्वसनीय है, लेकिन अल्ताने का अर्क सारे विश्व में ऐसे चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। इर्ताई, आपका बेटा खौताई बड़ा ही योग्य युवा है। वो सरदार अरखाल को अपने साथ यहां ला रहा है। श्रेष्ठ सरदार इर्ताई, आप अपने शादी का तोहफा देने के बदले में हमें मुसीबत में ही डाल दिए। अपनी भूमि, अपना घर हारने के पश्चात आप यहां घोर शत्रुओं के साथ संधि योजनाएं बना रहे हैं। मुझे मेरी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। सरदार अरखल, क्या आप भूल गए हैं कि सूर्य देवता और चंद्रमा भी स्थिर नहीं रहते? आपका कहना बिल्कुल सही है, पर मेरा विश्वास था कि ये खान केवल एक रात का बिल्कुल भी नहीं था। तुम सरदार अरखल, मैंने सुना तो था कि आप एक महान शूरवीर हैं, पर आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। मैंने भी सुना था युवा जर अमर है, पर तुम तो मुझे केवल हाड़ मांस का पुतला ही देख रहे हो और कुछ नहीं।
मुझे अब भी तुम में से तुम्हारे उस पिता की दुर्गंध आ रही है जिसने सफेद खोपड़ियों का नरसंहार किया था। क्या युवा, क्या शिशु। रुको, तो यही है वो तुम्हारा अंतिम पुत्र जो स्वर्ग के अभिशाप से बच गया। मैंने सुना है कि ये मनुष्य की तरह नहीं बोलता बल्कि भेड़ियों की तरह गुर्राता है। तो तुम दालसेत्सेन के बेटे हो, है ना, जिन्हें अरसई ने जीवन दान दिया था अजहर और खातर। मुझे नहीं पता था कि तुम बोलते भी हो। मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकते हो। मुझे बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि सरदार और खाल की जुबान इतनी तीखी है। माफ करें। युवा अजहर की बुद्धि में अवश्य वृद्धि हुई होगी लोगों का भेजा खा खा कर। सरदारों, ऐसी बातचीत से कोई लाभ नहीं। हम यहां पर एकजुट होने आए हैं। मैं आप सबको एक सत्य से अवगत कराना चाहता हूं। खदान का खादु ही इन सब परेशानियों की जड़ है। हम अक्चिन जाति यहां नहीं खान की पदवी देने आए हैं और न ही इस अजहर को कोई भूमि देने, और ना ही इस क्रूप चेहरे की अनारगल बातें सुनने के लिए यहां पर आए हैं। अभिजात वर्गों की हत्या हुई है, बहुत सारे बच्चों को अनाथ कर दिया गया है और बचे हुए लोग यहां से जाने का प्लान कर रहे हैं। बस मुझे आपसे यही कहना है, आठ जनजाति के लोग आपस में लड़े या शांति बनाए रखे, यह हमारा निजी विषय है, नहीं किसी क्रूप दलाल का विषय है, नहीं खनाबा दोष का विषय। यह हमारे आपस का विषय है, इसलिए आप लोग इसमें दखलबाजी ना करें। मुझे पहचानो, मैं हूं भाग्य का दाता। क्या मैंने तुम तीनों जनजातियों को एकजुट नहीं किया क्या? सरदारों, शांति बनाए रखो। ये है वो रक्त से अंकित संधि जो खदान के खादु ने सर्वी और डेल्टा पर्वतों को बेचने के लिए किया था, और साथ में भूमि भी। अगर स्वर्ग उसे अवसर प्रदान करे तो ये वो पुरुष है जो अपना घर भी शत्रुओं को बेहिचक बेच सकता है। ऐसा है वो, खादु सारी सीमाएं पार कर लेगा ताकि वो योग्य घोषित हो सके। हाँ। इस पर तो खादु का रक्त लगा है। खादु समस्त साम्राज्य का अकेला खान बनना चाहता है। उसे अपनी क्षमताओं पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, पर मेरे पास एक योजना है, उसकी एक कमजोर नस जो आप दबा सकते हैं। तुमने तो कुछ समय पहले ही इर्तई को मेरी कमजोरी के बारे में बताया था। तलवार को धार देने के लिए उसे घिसना ही पड़ता है। मुझे क्षमा करें सरदार हरखल, ये स्वर्ग की इच्छा है, इसका सम्मान कीजिए। एक दूसरे की आलोचना के लिए हमारे पास पूरा जीवन है, पर अब हमें एकजुटता की आवश्यकता है ताकि गलतियां ना दोहराएं। आप अपनी योजना के बारे में बताएं। मेरी योजना ये है कि खदान के खादु को
सिरवी पर्वतों से नीचे उतरवा के खरबुगरस्ताई में उस पर आक्रमण किया जाए। मुझे ये मूर्खता लगती है। सिरवी पर्वत अंगोल और भेड़िया जनजातियों की गृह भूमि रही है, वो भी सदियों से। हम उस जगह के एक एक कण को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो पर्वत हमारे लिए हमारा घरेलू मैदान है। ये बात सच है, लेकिन ये अंगोल और भेड़ियों के बीच का युद्ध नहीं है, ये संयुक्त युद्ध है। अगर चीन जाति और सफेद खोपड़ी भी इसमें शामिल है। अगर चीन के योद्धा बिजली की तेजी से लड़ते हैं और सफेद खोपड़ी की परछाई भी पकड़ में नहीं आती, इसी कारण सिरवी पर्वत युद्ध के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होगा। हमें खादू को पर्वतों से नीचे उतरवा के पागा तोखोई और खार बुर्गस्तई के दोनों तरफ से उस पे आक्रमण करना चाहिए। खादू कोई मूर्ख नहीं है, वो षड्यंत्रकारी योजनाओं से परिचित है। मुझे नहीं लगता कि वो सिरवी पर्वत से युद्ध के लिए नीचे उतरेगा। हमें अपना चेहरा तो दिखाओ रहस्यमयी मानव। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा। एक बार कार्य संपन्न हो जाए तो मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा। इसे छुपाने के कुछ कारण हैं, और मैं वहीं लौट जाऊंगा जहां से मैं आया हूं। मैं कोई क्षति नहीं करूंगा। सरदार, आप सोचिए कि खादुन को पर्वतों से किस तरह नीचे उतारा जाए। 2 दिन बाद मैं अपने सारे योद्धाओं के साथ खार बरगस्तई आ जाऊंगा। सरदार, आप सुनिश्चित कीजिए कि आप कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। मैं आपके बेटे खौताई को बंदी बनाकर ले जाऊंगा। चलो जल्दी। सरदार खादू, कल आप खार बुर्गस्तई में युद्ध नहीं लड़ सकते। अगर चीन जाति उनके पास बहुत ही तेज घुड़सवार हैं, सफेद खोपड़ियों की परछाई भी आपके हाथ नहीं आएगी। इसीलिए आपको बागा तोखोई में युद्ध लड़ना चाहिए, जहां घोड़े तेजी से नहीं दौड़ सकते और ना ही शत्रु छुप सकता है। सब मारे जाएंगे। इरतई क्रोध में शायद मूर्ख हो सकता है, पर अजहर और अरखल इस षड्यंत्र को भाप लेंगे। उन्हें अरमुखरत तक पहुंचने से रोकना होगा। चिंता ना करें मेरे सरदार, मैं आपकी आज्ञा का हमेशा पालन करूंगा। एक बार आप इस समस्त साम्राज्य पे स्थापित हो जाएं, आपका परचम लहरा जाएगा। आप मुझे सिरवी और डेल्टा पर्वत प्रदान कर देंगे ना, जैसा कि आपने वचन दिया था? दे देंगे ना? तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मुझे मेरे सरदार की युद्ध कुशलता पर पूरा विश्वास है, और यही तो स्वर्ग की इच्छा भी है। इसी भूमि पे सरदार अरसाई ने मेरे पिता की हत्या की थी, और बदले में मैंने भी अरसाई को यही मारा। नियति देखो, मैं युद्ध की योजना
इर्ताई के साथ बना रहा हूं, जिसके पिता ने हमें विलुप्त कर दिया था। भेड़िया जाति जो अरसाई के साथ थी, सरदार अरखाल जिसने शिशुओं तक को नहीं छोड़ा था, हमें खादू से लड़ना है जिसने इर्ताई को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। हमें पुरानी और कड़ी बातों को पूरी तरह से भूल जाना होगा। तुम्हें हमारे वर्तमान शत्रु को हरा कर चले जाना चाहिए। तुम्हारी युद्ध में दी हुई सहायता के लिए मैं वचन देता हूं, भविष्य में हम कभी भी किसी सफेद खोपड़ी जाति को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो अब मुद्दे की बात करते हैं, हम खादू को कैसे हरा सकते हैं? मेरे विचार में अजहर और सरदार अरखल को पूरब की ओर से बागा तोखोई पर पीछे से हमला करना चाहिए, और मैं अंगोल और भेड़िया योद्धाओं के साथ सामने से प्रहार करूंगा। हम पैदल हमला करेंगे, अक्चिन और सफेद खोपड़ियों को घुड़सवारी करके आक्रमण करना चाहिए। इस तरह से खादू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। पहले आप ये बताइए कि आपका वो करूब प्रज्ञा तलाल कहां गायब है, वो दिखाई नहीं दे रहा। अमर अजहर, हाँ, अब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मैं कौन हूं। मेरे पिता का सर मुझे लौटा दो, मुझे उन्हें सूर्य में विलीन करना है। दान की राजकुमारी ब्रॉन्च, मैंने तुम्हें कई बार अपना पीछा करते हुए देख चुका हूं। मेरे पिता का सर मुझे लौटा दो, कहाँ है उनका सर, जल्दी बताओ। शांत रहो, अगर तुम मेरी हत्या कर दोगे तो तुम्हें कभी भी अपने पिता का सिर नहीं मिलेगा। मेरा कुछ विशेष कार्य अभी भी बाकी है। एक बार मुझे कुछ भूमि मेरे भूमिहीन लोगों के लिए मिल जाएगी तो तुम्हें तुम्हारे पिता का सर भी मिल जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब मेरी परछाई भूमि पे भटकेगी और मेरा शरीर एकदम स्थिर होगा। मुझे आशीर्वाद प्राप्त है अपनी मृत्यु का दिन निर्धारित करने का, तुमने तो देख ही लिया है। हम सबके तलवार तैयार हैं तुम्हारे सर को कलम करने के लिए, तुम बचकर नहीं जा सकते। रुक जा बरदोई, अगर हमने आपस में युद्ध किया तो केवल सफेद खोपड़ियों का ही नहीं, सारिन का भी विनाश होगा। सुनो ब्रॉन्च, आपने अब तक इसका पीछा किया कि आप अपने पिता का सर सूर्य को वापस लौटा सके। सारिन योद्धा अपनी तलवारें रक्त से नहीं भिगोएंगे। मैं ब्रॉन्च हूं, सारिन जनजाति की प्रमुख, मेरे आदेश का पालन हो।
बैठा लो। मुझे कल के युद्ध का परिणाम नहीं पता है बेटा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मां की सेवा करो। मैं मूक दर्शक बनकर बैठ नहीं सकता। मैं ऐसे ही बैठ नहीं सकता हूं जबकि खावता युद्ध लड़ेगा। मेरा मृत्युदाता कई शत्रुओं का नाश कर सकता है। बेटा, हम अगजिन जनजाति के लोग हैं। अगर हमारी जाति विलुप्त हो गई, फिर भी हमारे घोड़ों की आत्माएं हमेशा अमर रहेंगी। तुम अपने मृत्युदाता और दूसरी सांस वाले घोड़ों को मुक्त कर दो। खदान के शूरवीर योद्धाओं, कल सूर्य उदय पर हम हमारे पूर्वजों के सारे सपने साकार करेंगे। इस भूमि के समस्त साम्राज्य पर हमारा राज होगा। कल अरटोखोई पर और खरबुर्गस्ताई पे हम हमारे शत्रुओं को हमेशा हमेशा के लिए परास्त करेंगे। कल का सूर्योदय आरंभ होगा उन अनगिनत सूर्य उदयों का जो खदान साम्राज्य का भविष्य होगा। हम समस्त भूमि को खदान साम्राज्य के परचम तले ले आएंगे। ओहो, यही बाकी था। आज का ये दिन चकित करेगा। कदरान की राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में ऐसे चोटी बांध के आना शुभ संकेत है या शुभ? तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन पहले युद्ध खत्म तो होने दो। पर तुम्हें जीवित रहना है। साइन योद्धा यहाँ पे तुम्हारी सुरक्षा में है, तुम्हारी जान बचाने के लिए। मेरी जान बचाने? मन करता है वो कान ही काट दूं जिस कान से ये शब्द सुने हैं। अगर इस जंग से बच जाओ तो अपनी आंखें निकाल लेना। बोर्दोई, मैं आज नहीं मरूंगा। तुम्हें चिंता करनी चाहिए अपनी राजकुमारी को जीवित रखने की।
जादू, तुम भूल गए कि तुमने रक्त वचन लिया था मेरे साथ, और आज वो दिन आ गया है खादु। अजहर का सर तुम्हें मुझे देना था वचन के अनुसार। वो अब भी उसके शरीर से अलग हुआ ही नहीं, पर वो अब खुद हमारे साथ है खदान जाति के विरुद्ध। अगर तुम्हारी प्रतिष्ठा प्राणों से बढ़कर है तो अपना सर काट के मेरे सुपुर्द कर दो इन योद्धाओं के सामने। इर्ताय, मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि तुम सफेद खोपड़ियों को मेरे सामने खुद ही ले आए हो। मैं खादो सूर्यास्त से पहले आज अजहर और तुम्हारे हजारों योद्धाओं का सर काटूंगा और तुम सिर्फ देखते रहोगे। अब यही बाकी था। मेरी मौत की कामना यहां हर किसी के दिमाग में और इन मूर्खों की जुबान पे भी है। तुम्हारे सारीन के लोगों को सच में बड़ी दिक्कत होगी तुम्हारे पिता का सर दोबारा शरीर से जोड़ने में। मेरा दूसरा नाम ही मौत है। जैसे मौत मर्राती है, वैसे ही मैं मर्राता हूं। सिर्फ एक दिन के खान ईर्ताय, इतने सारे योद्धाओं के प्राण बच सकते हैं। अगर तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ तो इस भेड़िए की कुतिया को भी ले जा सकते हो। सर खून चाची, अगर विजय मेरी हुई तो अजहर का सर काट के मेरा 8 जनजातियों को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा। मैं इर्ताई यहां आया हूं क्योंकि तुम्हारे लोभी पंजों को मैं दूर रख सकूं सर्वी और डेल्टा पर्वतों से, और इस भूमि को एकजुट रख सकूं। मैं कोई नीच कुल का नहीं हूं जो केवल अपने ही परिवार और जातियों की परवाह करता रहे। इर्ताय, शब्दों के बाण बंद करो। मुझे मृत्यु का भय साफ तुम्हारे चेहरे और शब्दों में दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हारी सेना में एक भी शूरवीर नहीं जो हमारे साथ द्वंद युद्ध की चुनौती स्वीकार कर सके? जिसने मेरे बेटे की जान बचाई, उस अरसाई के उपकार के लिए मैं ये युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर बात अरसाई के उपकार चुकाने की है तो मैं इस चुनौती को स्वीकारता हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तो उसने हमें जीवन दान दिया था। अगर तुम मर गए तो मेरे पिता का सर मुझे कौन लौटाएगा? आजर, मेरी बात सुनो। तुम्हें बोरोंच को दिए गए वादे को निभाना होगा और उसके पिता का सर लौटाना होगा। Hello?
लीजिएगा पूर्वजों, सारिन का वचन मैं निभा नहीं पाया, मेरा सफर यही तक था। पता चला कि तुमने मेरे सर को धड़ से अलग करने की कसम खाई है तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। अमर अजहर, तुम और तुम्हारे नाम का आज मेरे हाथों अंत हो जाएगा। Thank you.
कोई भी यहां से जीवित नहीं जाएगा। हम सब किसी विदेशी के जबड़े में पूरी तरह से फंस गए हैं। हमारा रक्त वचन अग्नि आत्मा को दिया हुआ लगता है अब पूरा होगा। मेरे बेटे यहां आओ। कप्ताई